हम लोग मॉल में आपके नैनाने जय इब्राहिम। अभी अभी बस नहा के निकली हूँ और बाहर आ गई हूँ घर से। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। मेरी बहन की हंसने की आवाज़ आई है। मेरी भांजी जो है पीछे से झांक रही है। आओ इधर आओ, खाला खाला के पास आओ। और यहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मुझे तो सर्दी लग रही है हल्की सी। आओ खाला आओ, आज और डर रही है मुझसे, पता नहीं क्यों, मेरी पर्सनैलिटी से क्यों लोग डरते हैं, हालांकि मैं इतनी ड्रोनी हूँ भी नहीं। आया आपको इस्लामाबाद की सैर कराते हैं। आ जाए। ये E11 है। E11 में मेरी बहन रहती है और मैं ऐसी वॉक के लिए आ गई थी। मैंने कहा यार अभी बस जाके इफ्तारी बनाते हैं। नमाज़ पढ़ी आज, आपको पता है जुम्मतुल विदा है माशाल्लाह से। ये मेरी भांजी जो है ना, ये मुझे आवाज़ दे रही है, खाला खाला कर रही है। मैं आपको भी दिखाती हूँ। चलो मरी भांजी रो रही है, मजाल नहीं कि इसे खाना खिला दे। अगर अभी मेरा अली होता मैं 3 दफ़ा खाना खिला चुकी होती। मैंने दाल भी गो दी है मैंने, ताकि ये फूल जाए। मैं आपको दिखा दूँ ये आलू उबल रहे हैं। अब बनेगा दुनिया का सबसे अच्छा खाना। मेरी अम्मा को देखूँ मैं, कहाँ है मेरी अम्मा, नमाज पढ़ रही है। अब इसका कुछ कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि ऑलरेडी बिगड़ चुका है। क्या हुआ, क्या किया है, क्या किया चिकन भाई, तो तुम लोगों ने भी तो रान में बोटे डाल पहले। नहीं ना, पहले उसको भूनती तो कहा था हटा दो, और तो पहले पानी डाल कैसे, और इतना पानी डाल हल्का सा। बोल तो रही हो दुनिया का सबसे हटके खाना बनेगा जो कभी किसी ने नहीं खाया होगा। ये वो प्यार किया तो डंडा क्या वाला खाना तो नहीं बना रही सलमान खान वाला, अब बनेगा जिंदगी का सबसे बेहतरीन। और जला देता आखिर में जला देता, समझ गई ना। तब इतनी बड़ी रान डालोगी मेरी जितनी, तो कैसे गलेगी ये, ज्यादा ही पानी डालना पड़ेगा ना। नहीं तो वो अम्मी कह तो रही थी। अच्छा इसमें चिकन को भूनने की इसलिए जरूरत थी कि ये कटला से है नाजनी, ये कटला है। क्या कह रही, कुछ कह रही आज भाई, ये कटला से ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। दिमाग की लस्सी नहीं बनाती मैं, इस वजह से मैंने बोला डायरेक्ट डाल लो और पका दो, हल तेज आज कर देते ना, ताकि ज्यादा चिकन हमारी गले तो पानी में गिर जाए। हमें क्या नहीं, तो ये कपड़ा है ना, हम करते तो है ट्रेनिंग कराने, स्मूथ इसमें भी इतनी मेहनत करेंगे क्या, स्मूथ हो जाएगी ना। अब आप इसमें जो है, हाँ स्मूथ भी हो जाएगा, फेस बना लेंगे ना, तो वो क्या होगा मुंह में नहीं आएगा। जो हमारे खानदान वालों को मसला है ना कि मुंह में कुछ नहीं आना चाहिए, थोड़ी सी दाल फेंक दो मसला नहीं भी देख दो। अच्छा अब जो है वो इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, ताकि ये दहीबड़े हमारे टेस्टलेस ना हो। अगर आप चाहते हैं डेल के दहीबड़े आपके टेस्टलेस ना हो, तो थोड़ा सा नमक डाल देंगे, फिर हम बाकी नमक उसमें डाल देंगे ना, दही दही फेंटेंगे। और इसमें हाँ हम थोड़ा सा लहसुन डाल सकते हैं, डायरेक्ट अदरक डाल के इसी के साथ ही पीस दूं। नहीं मैंने डाला हुआ है लहसुन अदरक, नहीं खुला हुआ है। आप लोग हैरान हो रहे हो कि रिजा जो है ना वो यूसरा को क्यों नहीं दिखा रही है, की वजह यह है कि यसरा कौन है, तालिबान है, यानी कि हिजाबी है, हिजाब करती है ये माशाल्लाह से। अच्छा मेरी ना मिक्स फैमिली है, आधे लोग माशाल्लाह हिजाब करते हैं, आधे लोग मेरी तरह हैं परगटे, तो ये कुछ मिक्स परगटे तो माशाल्लाह सभी हो, सबने वाले लोग सब उसमें तैयारी में, सब तैयारी में जिहाद की है। तो बकायदा यूसरा मुझे इतना बड़ा वाला स्पून चाहिए, इतना बड़ा वाला स्पून चाहिए। तो अभी हम अपने कटलेट्स ऑलमोस्ट रेडी कर चुके हैं, इसको मैं अभी शेप अप कर रही हूँ। ये अभी नहीं लग रहे होंगे अच्छे, लेकिन आप इसमें देखें मैंने चिकन और आलू का मिक्सी डाला है, मिक्सी सब बना के बड़ा मजे का। मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है, आई लव चिकन। मेरी याद है तुम्हें बचपन का वाक्य बता दो,
बचपन का वाक्य तो बता दो, क्योंकि तुम मुझे हमेशा पकड़ लेती थी चिकन खाते हुए। अम्मी रिजा देखे बोटी खा रही है, पकड़ी गई रिजा इब्राहिम, और अब तो दिन रात से बोटी ही खानी पड़ती है अंडे खाने पड़ते हैं और खाना क्या पड़ता है। एनीवेज ये हमारे ये रेडी है, अभी मैं आपको जब इसमें क्रम्स का वो लगाऊंगी ना, तब आपको जो है वो अच्छी शक्ल इसकी नजर आएगी। अभी तो मैंने तो ये ऐसी बना के रख दी है। आए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बहन का सलीका, एक बहन क्या है और एक बहन क्या है। उन्होंने ये खुद से बनाई है भाई घर में, होम मेड दही है ये। कैन यू इमेजिन, रेसिपी बताओ जरा इसकी। कुछ भी नहीं है, गर्म दूध में आप थोड़ा सा दही लेके उसको मिक्स कर दें और रख दें एक जगह पे, सुबह उठेंगे तो दही बनी। दूध तो तुम कौन सा दूध अलग से ले मंगाती हो उसके लिए? हाँ फ्रेश मिल्क होता है। और ये बलाई जमा कर रही है रॉ मिल्क उसकी, दूध देसी घी कल ये जमा कर रही थी। मैंने कही तुम क्या कर रही हो, कह रही हो उसका देसी घी बनाऊंगी। तो देसी घी की रेसिपी क्या है वही बताओ मेरे नाजरीन को, शाबाश ऑडियंस को। यार बहुत लेंदी और हेक्टिक है, कोई नहीं बनाता, सब ऐसे ही परचेज कर लेता है। तो लोग नहीं बनाते? नहीं। क्यों? बहुत लेंदी है। पहले इसको बलाई जमा करती रहोगी, जब वो ज्यादा जमा हो जाएगी फिर उसके बाद तुम जो है वो उसको ब्लेंड करोगी, फिर उसका बटर मिल्क अलग निकलेगा और ऊपर से मक्खन निकलेगा, फिर उसको पकाओगी, फिर पकाने के बाद जो ऊपर जो होगी लेयर वो निकलेगी तो देसी घी, मेहनत क्यों करती है? और जो नीचे बचेगा वो मक्खन होगा। तो इतनी मेहनत करने की वजह है चीनी का। यार हेल्दी है ना ये, और बाहर जो सब कुछ मिलता है वो सब प्रोसेस। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि देसी घी में ओनली 15 कैलोरीज होती है इन वन स्पून, तो आप उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप बाहर का करें या घर का। इस तरह आपके पास अगर इतना फालतू टाइम हो जैसे इसके पास है तो जरूर आप। चीनी है? चीनी उधर सेकंड वाले में ऊपर। तो आप जो है ओवल्टीन नहीं, वो पूरा वाला ना निकालना, ओवल्टीन वाला कह रही हूँ ना, ये तो नेस्केफ है, ये वो है खोपरा है, पूरा खोपरा डाल रही हूँ। शुक्र करो भजन हो गई आज खोपरा डाल जाता नहीं बढ़ोगी नहीं रेसिपी बन जाती। समझ आ रहा हूँ मैं कितना काम करती हूँ अपने घर। बस बहुत है चीनी। अच्छा ये वाली तो खाते हैं, ये वाली खाते हैं बहुत शौक से। तुम अभी बनेगी ये वाली खाते हैं, ये वाली मिक्सी है। मिक्सर कैसे करूं? ये है विस्क। यस मिक्सर से। ये नहीं दिखाओ मेरे कैमरा, बाबा ने मेरे कैमरा मुझे अंदर दिखाओ ताकि मैं बाबा नहीं एक नंबर की बच्ची हो तो औरत लगू। इसको वॉश कर लेते। आज हमारे बाबा जो है वो बनाएंगे, क्या नाम है, अल्लाह आपका भला करे, क्या शरबत बना चुके हैं और फ्रूट चाट रही है। अच्छा मैं लेफ्ट ही हूँ, इसको नोट मत करिए अगर इसे उल्टे हाथ से क्यों मिला रही है। मैं फट तो नहीं जाएगी दही? नहीं मैं तो डालती हूँ नमक, डालो बल्कि नमक से बैलेंस हो जाता है जो आपके जो भी खाने होते हैं उसमें, अगर आप थोड़ा सा नमक डाल दें तो बहुत उसमें मजेदार। अभी हम अपनी कढ़ाई रेडी करते हैं, चाट मसाला हम अपनी कढ़ाई रेडी कर रहे हैं। इसमें इब्राहिम विजय इब्राहिम दूसरा इब्राहिम हम कढ़ाई रेडी कर रहे हैं। देखें इसको वॉश कर रही हूँ। आई डोंट वॉश एनीथिंग, आई डोंट डू एनीथिंग, बट क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है ना, बहन है जूने से धुलेगा। मैं वही सोच रही थी कि तुम निकलेगा कैसे ये, तो फिर मैं निकालूंगा कैसे। मांज बेटा मांज, आगे जाके तुम्हें ये सब करना है, मांज नहीं करना प्लीज। अच्छा मैं आपको ये बता रही थी कि मैं जो हूँ ना आपकी बहन की शक्ल इसलिए नहीं दिखा रही आपको, सामने से दिखाओ बाल पहले इतने छोटे से हो रहे हैं। मैं इसलिए, मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं बाल इतने छोटे क्यों करा लिए, क्या वजह है? देखिए बाल इसलिए छोटे करा लिए कि एक तो मेरे पास टाइम नहीं है अपने आप को कैरी करने का और संभालने का, पूरी बांधी जिम पहुंच गए, पोनिया ही बांधनी है
छोटे भाई देख लो भाई अली है माशाल्लाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर दूसरे की मेरे बाल सारे बाल खत्म हो गए थे, मैंने कैरेटिन करवाया था एक दो जगह से, उसके बाद ना मेरे बाल दोबारा से सही कभी हुए ही नहीं, मजे की बात ये। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने पतीली धो दी है, अब मैं ड्राई करूंगी, ड्राई करने के बाद मैं इसमें तेल डालूंगी और फिर हम अपने दही बड़े तलेंगे। दूसरी तरफ हमने क्या रेडी कर लिया, रेडी कर लिए लाओ उसमें डालो जल्दी से, ये मैं इसमें डाल रही हूँ और ये मैं इसका बैटर बना बना के इसमें डाल रही हूँ। लाओ मुझे तो मैं इसको सही करूँ, तुम इसको पकड़ो, कैम को पकड़ो। अब हम इसको इसके अंदर करेंगे ऐसे करके, पानी में डिप होना जरूरी है, मैं चाहती हूँ बिल्कुल नरम हो जाए, और पानी डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा। ओके सही तरीके से वैसे दही भी हो जाएगा, दही भी नहीं ना, तुम्हें नहीं पता मैं कैसे बनाती हूँ, तुम तभी खाओ ना मेरे। अच्छा ये वाले ना हम दे दे, इधर मैंने ट्रे रेडी कर ली है, इधर मेरा अंडा रेडी, कटलेट्स फॉर माय कटलेट्स एंड नमक डालना है इसमें, रेडी कर रही हूँ। ये देखे हम, ये मैंने उठाया एक लिया, इसको हल्का सा इसमें डिप करा और मैंने इसको इसमें डिप किया, डबल कोटिंग करेंगे और अच्छा बनेगा। ऐसे हम इनको क्रॉकेट्स को रखते जाएंगे। इसके अंदर आप उसकी भी फिलिंग कर सकते हैं लाइक मेयोनीज की, वो भी अच्छी लगती है, चीज़ भी डाल सकते हैं इसके अंदर आपकी मर्जी। हमारे कटलेट्स रेडी हैं, देख लें, और मैंने फ्रिज में दही बड़े रेडी करके रख दिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मसाला और सही मजाक उड़ाने, हमारी मरियम रो रही है, हम जा रहे हैं मार्गरेट हिल्स की पिक्चर्स लेने के लिए, मुझे रील बनानी है आप लोगों के लिए।